स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। मैं हूँ सैयद नफी हसन। पेश है इस वक्त की टॉप 14 न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संजय पांडे बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, राज्य सुरक्षा निगम संभालेंगे हेमंत नगरालय। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1986 बैच के अधिकारी संजय पांडे को पिछले साल अप्रैल में महाराष्ट्र का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। मानव तस्करी के मामले में 3 बांग्लादेशी और मुंबई का एक निवासी गिरफ्तार। मुंबई में बालकनी गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 3 घायल। महानगर के कुर्ला पश्चिम इलाके में सोमवार दोपहर एक शॉपिंग सेंटर की बालकनी का हिस्सा गिरने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग के बीच मणिपुर में 78% से ज्यादा रहा मतदान। हिमाचल में फिर बिगड़े मौसम ने किया परेशान, बर्फबारी और बारिश के बाद 228 सड़क मार्ग बंद। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की तीसरी अहम बैठक, कहा भारतीयों की वापसी सरकार की पहली प्राथमिकता। रूसी तोपों ने रिहायशी इलाकों पर बोला हमला, 350 लोगों की मौत। ऑपरेशन गंगा की 7वीं फ्लाइट 182 लोगों को लेकर मुंबई पहुंची। यमन के कई इलाकों पर सऊदी लड़ाकू विमानों की बमबारी। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान को यूक्रेन युद्ध में मार गिराया। यूक्रेन में बने दुनिया के सबसे बड़े विमान एंटेनोवो 225 मारिया कोकोवी के पास स्थित होस्टेमेल एयरपोर्ट पर रूस के हमले में मार गिराया गया। रूसी सेना ने इस विमान पर हमला किया था जिसके बाद इसमें आग लग गई। न्यूज 14 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।